Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priyanka और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको मदद करेंगे फ्लॉलेस स्किन पाने में. अगर आप अपने स्किन केयर इश्यूज से परेशान हैं, आपको अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, एक्ने है, या फिर आपकी स्किन सनबर्न हो चुकी है, या एजिंग हो रही है, या फिर यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड योर स्किन और आपको चाहिए बिल्कुल ग्लोइंग बेदाग त्वचा जो कि बिल्कुल चमक रही हो अंदर से और बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है और घर पे ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई करके आप अपनी स्किन को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं. तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. मेरी ऑयली एक्ने स्किन टाइप है, मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं ऑयली स्किन केयर रिकमेंडेशंस पे, ड्राई स्किन केयर रिकमेंडेशन से. मैं नीचे अपनी स्किन केयर प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले हैक से और वो हैक क्या है और आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट हैक दैट आई हैव ओवर हियर गाइस कि आपको बहुत जरूरी है ये समझना कि आपको दिन में दो टाइम अपने फेस वॉश को यूज करके अपना फेस वॉश करना बहुत जरूरी है. आई नो इट साउंड्स लाइक आपको हर बंदा यही बोलता है बट क्या है आप करते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह नींद से उठते ही अपने फेस को वॉश करो, आराम से 30 seconds का एक मसाज दो. ये मसाज आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको इम्प्रूव करता है एंड आपकी फेस जो है अंदर से यू नो आपकी स्किन जो है रिपेयर होने लगती है. व्हेन यू मसाज आपकी स्किन अच्छी हो जाती है. मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से क्योंकि अगर आप फेस वॉश नाइट में नहीं करें तो जितनी डस्ट गिरी है आपके फेस पे आपको दिखती नहीं है, बट जितनी भी गंदगी गिरी है अगर आप घर से बाहर निकल के एसी ऑफिस में भी बैठे हैं तो आपका फेस गंदा हो जाता है गाइज एंड नीड्स अ वेरी वेरी क्लीन यू नो वॉश बिकॉज आप रात में सोते हैं उसके बाद. सो इफ यू जस्ट वॉश योर फेस आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम वर्क, कॉलेज और स्कूल और मे बी वेर एवर, अच्छे से मसाज करिए अपने फेस को 30 सेकेंड्स के लिए तो ये जो है डर्ट ग्रिम सब कुछ निकाल देगा आपके फेस से और आपकी फेस बहुत अच्छी हो जाएगी. और उसके बाद आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें. मेक श्योर यू वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे विदाउट. वॉश करने से बेनिफिट ये भी होता है कि जितनी फेस में गंदगी एंड डर्ट है वो निकल जाती है, बैक्टीरिया है वो निकल जाती है, तो एक्ने होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लीन, स्क्वीकी क्लीन हो जाती है और आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं. द सेकेंड टिप आई हैव फॉर यू गाइज इज ऑलवेज अगर आप यू नो आपकी स्किन आप 30 या 25 प्लस हो रहे हो या 30 प्लस हो रहे हैं, यू आर वरीड अबाउट एजिंग. एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, हमें नहीं पता क्योंकि हम राइट वे नहीं जानते और इसके लिए हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है. इज वेन एवर यू मसाज योर फेस विथ अ फेस वॉश और मे बी यू अप्लाई अ टोनर और मे बी यू जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर और सीरम ऑफ मसाज कर रहे हो, सो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू इज वी डू लाइक ओके ऐसे ऐसे हो गया या फिर हाथ में ऐसे लगाया और ऐसे पोत लिया बस, बट दैट्स नॉट वॉट यू शुड बी डूइंग. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जवान बनी रहे, बेदाग रहे, अच्छी रहे, इलास्टिसिटी आपकी स्किन की बनी रहे, तो आपको ये करना है कि आपको प्रोडक्ट को लेके अपने पाम्स के बीच में इसको गर्म करना है और आपने सर्कुलर मोशन में अपवर्ड मोशन में मसाज करना. आपने कभी भी अपने स्किन को डाउनवर्ड पुश नहीं करना है वरना सैग हो जाती है स्किन, यानी कि लटक जाती है और उसी की वजह से आप इवन मतलब बहुत जल्दी आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी जितनी जल्दी होनी नहीं चाहिए. तो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी अपने स्किन को मसाज कर रहे हो जस्ट मेक श्योर आप हमेशा सर्कुलर मोशन में ऊपर पुश करते हुए मसाज करो ताकि जो आपकी स्किन है वो लिफ्टेड रहे और साइंस ऑफ एजिंग बिल्कुल भी जल्दी आपकी स्किन में नहीं आए. वन ओवर सजेशन आई हैव हियर इज मैंने टूल खरीदा था मिनीसो से. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप खरीदो, आपको ये शीन में भी मिल जाएगा. यू कैन ट्राई दिस आउट. ये 500 का आया था. इफ यू हैव हर्ड अबाउट फोरियो लूना जो 8-9,000 का आता है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट दिस इज अ टूल. यू गाइस कैन सी इसमें स्मॉल ब्रिसल्स हैं, कुछ बड़े ब्रिसल्स, कुछ छोटी ब्रिसल्स. सो आई जस्ट स्विच इट ऑन एंड आई जस्ट मसाज इट ओवर इन सर्कुलर मोशन पुशिंग माई फेस. अब इससे मेरा फेस का जो सर्कुलेशन है ब्लड का बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड ट्रस्ट मी जब मैं इसको यूज करना बंद कर देती हूँ मेरी स्किन काफी डल हो जाती है, बट वेन आई स्टार्ट यूजिंग इट ऑल ओवर अगेन माई स्किन लुक्स ब्यूटिफुल. टिप नंबर 3 ओवर हियर जो कि बहुत ही आप लोग बोलोगे यार नॉर्मल चीजें बोल रही है, हमें पता है बट हम करते नहीं है, इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से टॉक्सिन हो जाता है, पानी हम पीते नहीं, हम अवॉइड कर देते हैं, फिर जब हम वॉशरूम जाते हैं और हमें जलन होती है तो हमें पता चलता है हमने पानी नहीं पिया, हमें यूटीआई हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं. पानी नहीं पीने की वजह से गाइज हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, आपकी स्किन डल दिखेगी, ग्लो नहीं आएगा. क्योंकि अगर स्किन में अंदर से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है तो वो ग्लो कैसे आएगा, राइट? तो पानी ढेर सारा पिए ताकि जो आपकी
स्किन है वो अंदर से चमके, आप मेरी बात सुनके 15 दिन रेगुलर 2 से 2.5 लीटर पानी एटलीस्ट पीकर देखें, आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिखने वाले हैं अपने स्किन में। आपकी जो बॉडी है जब वो टॉक्सिन्स आउट हो जाएंगे तो आपको पिंपल्स भी नहीं आएंगे, आपको फेस में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ब्लैक भी नहीं होगा आपका फेस, डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन सब कुछ यू नो अवॉइड हो सकता है अगर आप बहुत सारा पानी पिए, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन हो चुका है इस दुनिया में और आपकी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स होते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पानी पिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को खराब करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और अगर आप यू नो आपको बहुत एक्ने होता है तो आप प्लीज ऑयली स्पाइसी फूड थोड़ा ज्यादा अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि ऑयली स्पाइसी फूड से आपको और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और स्पाइसी फूड से आपको पेट की दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से जो बोलते हैं ना पेट साफ नहीं हुआ उसकी वजह से हमें पिंपल्स आ रहे हैं। सो दैट माइट हैपन। सो दिस इज माई टिप नंबर 3 ओवर हियर फॉर यू गाइज। यू नो मैंने सब कुछ लिख रखा है कि मैं आप लोगों से क्या क्या शेयर करना चाहती हूँ। सो दिस वॉज माई टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 इज प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि क्या सही तरीका है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर गाइज आप दिन में 2 बार फेस वॉश करें, टोनर लगाएं, और जो है तीसरा आपका प्रोसेस हो जाता है स्क्रब करना। बट ये स्क्रब आपने सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना है, उससे ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार। क्यों डेली अगर आप स्क्रब करोगे आपकी त्वचा जो है वो कट जाएगी, माइक्रो टीयर हो जाएंगे बहुत छोटे छोटे, एंड स्किन बहुत खराब हो जाएगी, रेड हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगे, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो स्क्रब 1 से 2 बार से ज्यादा ना करें। कभी भी एक्ने, एक्टिव एक्ने पे आप स्क्रब ना करें, जहां पे एक्ने है उसको छोड़ के स्क्रब करें, क्योंकि वो फटेगा, वो जो बैक्टीरिया उस एक्ने के अंदर है वो पूरे फेस में फैलेगा, वो पिंपल यहां से यहां हर जगह फैल जाएगा। तो दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइस कि बिल्कुल भी ये ना करें। और जो है वॉश करें आप, टोनर दिन में 2 बार लगाए, आप स्क्रब जो है हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाए, स्क्रबिंग के बाद वॉश कर, अब वॉश कर रहे हैं, टोनर लगा रहे हैं डेली बेसिस में, बट जब आप स्क्रब कर रहे हो तो पहले वॉश करो, स्क्रब करो, देन टोन करो। एंड जब आप स्क्रब नहीं कर रहे हो तो वॉश करो, टोन करो, आप उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाओ, और आप लगाओ अपना सीरम, या फिर आप सीरम पहले लगा के मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। पहले बोलते हैं सीरम लगाने के लिए क्योंकि सीरम जो है आपकी स्किन में बहुत अंदर तक जाके काम करती है, आपके प्रॉब्लम एरियाज पे काम करती है। सो सीरम लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, और मैं वही रेकमेंड करती हूँ। आप फेस मास्क हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इट रियली रिजुविनेट्स योर स्किन और आपकी स्किन को बहुत हेल्प करती है। अगर आप ये स्टेप्स दिन में 2 बार हर दिन कर रहे हैं, आपके 5-5 मिनट लगेंगे, यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन योर स्किन। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स चूज करें अपने स्किन टाइप के हिसाब से, और बहुत सारी चीजों के बीच में जगल अपना करें। 5वां जो टिप है यहाँ पे मेरे पास वो है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बाहर भी नहीं खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, बट क्यों हो रहा है ये एक्ने आपको अचानक से, यू माइट बी गोइंग थ्रू सम हार्मोनल चेंजेस गाइज। लड़कियों को PCOS और थायराइड बहुत कॉमनली होता है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत पिंपल्स आते हैं। मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड 13 साल की उम्र से है, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें मोटे होते हैं, एंड PCOS मुझे लास्ट 3-4 सालों से है। तो मैंने बहुत वेट गेन किया, उसकी वजह से मेरे चेस्ट में बाल आ गए हल्की हल्की, मेरे नेवल एरिया में हल्के हल्के बाल आ गए, मेरे फेस में हेयर ग्रोथ होने लग गया, और सबसे बड़ी जो चीज हुई पिंपल बहुत ज्यादा आने लगे, रीसेंट भी बहुत आते रहते हैं। सो मेक श्योर गाइज अगर आपको अचानक से पिंपल्स आ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों आ रहे हैं, सिस्टिक पिंपल्स आ रहे हैं, गो एंड चेक योर ब्लड, गेट योर ब्लड टेस्ट डन आफ्टर गेटिंग इन टच विद योर फिजिशियन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें थायरॉयड या PCOS हो चुका होता है, हमें पता ही नहीं होता। सो दिस माइट बी अ साइन ऑफ यू नो दिस डिसऑर्डर्स, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट गाइज। और हमेशा यही ना सोचे कि पिंपल हो रहा है तो बस ऐसी किसी रीजन की वजह से हो रहा होगा। अगर आपको रेगुलरली पिंपल हो रहा है, सो यू शुड डेफिनेटली गेट योर ब्लड टेस्ट डन। नंबर 6 इज ऑलवेज यूज नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है नॉन कोमेडोजेनिक वो आपकी स्किन को, पोर्स को यू नो क्लॉग नहीं करेंगी, तो एक्ने टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो है उनको पिंपल्स आना कम हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू यूज समथिंग दैट इज नॉन कोमेडोजेनिक सो दैट यू डोंट गेट पिंपल्स, ड्राई स्किन वाले भी और कोई भी स्किन टाइप वाले भी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो स्किन केयर का अपने फेस पे तो वो अंदर तक जाता है आपके पोर्स के थ्रू, आपके पोर्स के थ्रू आपकी स्किन ब्रीथ करती है, राइट? तो अगर आप ऐसा कुछ यूज करते हैं जो आपके पोर्स को ब्लॉक करे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपके स्किन में। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप एक हेल्दियर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। ऑल्सो यू आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि हमेशा जब कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदे तो प्लीज गो बैक टू द इंग्रेडिएंट लिस्ट और देखे कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या नहीं है, अच्छा मतलब ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे आप एलर्जेनिक हो, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो 2-5 मिनट का समय भी लगाएं और उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के ही जरूर खरीदें।
टिप नंबर 7 इज गाइस की मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते ब्रांड्स के बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स आ गए हैं स्किन के, ये प्रोडक्ट, ये मास्क, ये ऐसे लगा लो, वैसे लगा लो, वो क्रीम लगा लो, वो मॉइस्चराइजर लगा लो, तो हमेशा सस्ते स्किन केयर के पीछे भागना अच्छा नहीं होता। ट्रस्ट यू, अगर आपको 150 रुपये में कोई मॉइस्चराइजर मिल रहा है तो आप सोचो कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, वेबसाइट वालों को कितना बेनिफिट मिल रहा होगा, कितनी उसकी ट्रांजिशन की कितनी सारी कॉस्ट होंगी जो उससे रिकवर हो रही होंगी, तो वो प्रोडक्ट कितने का बना होगा आप सोच के देखो अगर, और फिर आप रियलाइज करो कि उस पर भी कितना डिस्काउंट होता है हमेशा, एंड यू नो आप सोच के देखो कि उतने कम प्राइस में वो प्रोडक्ट में कितने केमिकल्स गए होंगे और वो आपकी स्किन को कितना हार्म कर सकती है। आई वुड सजेस्ट गाइज, अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा सा यू नो जिसमें कम इंग्रेडिएंट्स हो, कम केमिकल हो, कम केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स हो, थोड़ा सा पैसा सेव करके वो खरीदे। आप सस्ता स्किन केयर खरीद के अपने स्किन का भला नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए जिसमें मैंने मेंशन किया है अफोर्डेबल से लेके हाई एंड तक यू नो अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं नीचे वीडियोज डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी उनके। लेकिन प्लीज गाइस, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना खरीदें जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल हो। कोशिश करें कि स्किन केयर के लिए पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री और इस तरह यू नो सिलिकॉन फ्री इस तरह के प्रोडक्ट्स आप खरीदें। सल्फेट फ्री तो खैर शैम्पू होता है, सो सॉरी फॉर दैट, बट इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और थोड़ा सा यू नो इन्वेस्ट करके अच्छी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खरीदें, क्योंकि सस्ता स्किन केयर हमेशा अच्छा नहीं होता गाइस। पैसे तो आप डालोगे बट स्किन आपकी खराब ही होगी, भला कुछ नहीं होगा। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप इज दैट हमें पिंपल होता है और हम क्या करते हैं, चालू हो जाते हैं। मेरी भी आदत रह चुकी है, सारी जिंदगी मैंने यही करा है। तो अगर आपको पिंपल होता है और आप ऐसे करते हो तो उसको करना बंद कर दो। वो जो निकलता है ना अंदर से, वो फैलता है और पूरे फेस पे पिंपल दे देता है, वो जो पस वाला बैक्टीरिया वाला पस होता है, ठीक है। सेकेंड चीज है कि आप दबाते हो उसमें ब्लीडिंग होती है, उससे हो जाता है आपको निशान, जिसको मिटाने में फिर आप परेशान हो जाते हो अपने एक्ने मार्क्स। Thirdly, it's very unhygienic and very bad for your skin, क्योंकि आपकी स्किन बहुत inflamed हो जाती है and you know damage हो जाती है। So please अपनी स्किन पे ऐसा टॉर्चर ना करें, प्लीज अपनी स्किन को इस तरह का कोई तकलीफ ना दे, क्योंकि you know पिंपल फोड़ना अच्छी बात नहीं है guys। From my experience, I'm telling you, पहले मेरे फोरहेड में बहुत पिंपल आते थे and I used to pop each and every pimple out and that just made it worse। 8 से 9 साल लग गए उन मार्क्स को कम होने में। सो इफ यू डोंट वांट दोस मार्क्स, जस्ट अवॉइड यूजिंग इट। सो या दोस वर माय सिंपल 8 टिप्स जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैंने शायद आपको याद दिला दिया। इन छोटी छोटी चीजों को अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखें, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। मैं इसी तरह की बहुत सारी स्किन केयर वीडियो शेयर करती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, बाय।